परीक्षा और पढ़ाई को लेकर कुछ सामान्य सोच एवं वास्तविकता से अपने बच्चों को ज़रूर अवगत कराएं। हेलो एवरीवन, मैं हूं सनीता फ्रॉम किड्स एशव एंड वैदिक गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स और ट्रुथ की। सामान्य सोच, परीक्षा इसीलिए होती है ताकि हम अच्छे अंक से पास हों। वास्तविकता, नहीं, परीक्षा इसीलिए होती है ताकि अपने दिमाग की क्षमता बढ़ा सकें और जांच सकें। सामान्य सोच, हमें हमेशा दूसरों के साथ कम्पीट करना चाहिए। नहीं, हमें हमेशा खुद से कम्पीट करना चाहिए। सामान्य सोच, परीक्षा में फेल होना ये शर्म की बात है और सबसे बुरी परिस्थिति है। नहीं, परीक्षा में फेल होकर हार मानना ये सबसे बुरी परिस्थिति है। सामान्य सोच, परीक्षा में जो अच्छे नंबरों से पास होता है वही कामयाब होता है। वास्तविकता, नहीं, कामयाब वो नहीं जो सिर्फ एग्ज़ाम्स में टॉप करे, कामयाब वो है जो ज़िंदगी में टॉप करे। सामान्य सोच, जो नकल करके अच्छे नंबर लाते हैं वो कोई बुरी बात नहीं है। वास्तविकता, नहीं, नकल करके लाए गए नंबर सिर्फ दुनिया को धोखे में रख सकते हैं लेकिन खुद को नहीं। सामाजिक सोच, हमें अच्छे अंक इसलिए लाने हैं क्योंकि हमारे मम्मी पापा चाहते हैं कि हम डॉक्टर या इंजीनियर बने। वास्तविकता, नहीं, जिस फील्ड में हमारी रुचि है उसी के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हमें पढ़ाई नहीं करनी और अच्छे अंक नहीं लेकर आने? दरअसल हमें पढ़ाई फेल होने के डर से या टॉप करने की चाह से नहीं करनी, काबिल बनने के लिए करनी है। किसी महापुरुष ने कहा भी है कि बेटा काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी।